हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितनी सुंदर लग रही है आज मेरी गार्डन, ढेर फूल खिला है। कितनी हम गिन भी नहीं सकते, इतना फ्लावर खिला है। एडेनियम का देखिए कितनी सुंदर इसका वैन ऐसे चढ़ा जा रहा है, देखिए। और कितनी अच्छी लग रही है। छोटी सी 14 इंच की पॉट में मैंने इसको, दो प्लांट इसमें लगा दिया है। और 2 साल का ये प्लांट है, 2 से 3 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 3 साल के होने को आया है। सितंबर महीना आया तो आएगा तो 3 महीना हो जाए, 3 साल हो जाएगा इसका। तो गार्डनर्स को पता चलना चाहिए 1 ही महीने 2 महीने में इतनी जल्दी ना बड़ा पौधा नहीं बन सकता है, क्योंकि ये टेरेस गार्डन है और पॉट में इसको उगाना पड़ता है और धीरे धीरे बढ़ेगा। ग्राउंड फ्लोर में ज़्यादा जल्दी चढ़ेगा, लेकिन ये तो पॉट में है इसलिए धीरे इसका ग्रोथिंग चलेगा। और देखिए कितनी सुंदर ये बेल इस झूले का कॉलम को ऐसे जा रहा है, मुझे ऐसे पूरा कवर करना है इसको इस साइड से। इस साइड मेरा है और ये है 1 साल का प्लांट जैस्मिन का। थोड़ी सी छोटी प्लांट था, इसमें और एक प्लांट मैंने लगा दिया है रिसेंटली, 1 महीना हो गया। ये अलग से प्लांट जो है, ये मेरी बहन के पास लेके आई थी मैं कटिंग करके, तो अच्छी चल रही है ये देखिए। और इस तरह मुझे इस साइड इसको कवर करना है। और पीछे से मनी प्लांटिंग भी लगा दिया है मैंने, आपको दिख रहा होगा इस साइड मनी प्लांट को कवर करना है। इस साइड ये मनी प्लांट 1 ईयर का है, देखिए इस तरह इसको कुछ सपोर्ट चाहिए तो ऐसा बढ़ेगा। तो ये झूला वाला कॉलम का ये हो गया। तो इससे ड्रम है एक बड़ा सा, ड्रम में मैंने चंपा का प्लांट लगा दिया है, 3 साल का ही है। पहले वो पॉट में था तो 1 ईयर का था, इस ड्रम में लगा के मेरा 3 साल हो गया। कटिंग करके मैंने बहुत जगह लगा दिया है, बहुत बढ़ गया था ये प्लांट चंपा का। तो ये देखिए कितना हिबिस्कस फ्लावर्स खिला है, सुदर्शन नाग चंपा जो बोलते हैं इसमें भी फूल खिला है, और हिबिस्कस की फ्लावर भी कटिंग से मैंने इसको उगाया था, इसमें भी फूल खिल रहा है। ये अलग वेराइटी है और ये डबल पेटल वाला है, देखिए ढेरों कलियाँ खिला है। वो वाला दूर दिख रहा है, वो सिंगल पेटल वाला है। ये है मेरा मेहंदी का प्लांट, रिपोर्टिंग किया है, अच्छी सी चल रही है। ये वाला फ्लावर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल अभी, कितनी फ्लावर खिल रहे, इसको भी मैंने रिपोर्टिंग किया था। और ये है हर श्रृंगार का प्लांट, इसको भी मैंने रिपोर्टिंग किया है, अभी कलियां बन रहा है, फूल खिलने का ज़रूर दिखाऊंगी। ये वाला जो पिछले वीडियो में मैंने रेड कलर का मेरी फ्रेंड दिया हुआ फ्लावर का और प्लांट भी दिखाई थी, इसका नाम पता कर दिया है मैंने। इसको कहा जाता है रेड जिंजर फ्लावर, रेड जिंजर फ्लावर। मैं नेट में सर्च किया तो पता चला इसको, और मुझे गार्डन सर है उन्होंने भी बता दिया, उनको फ़ोटो सेंड की थी मैंने इस फ्लावर का, तो उन्होंने बता दिया रेड जिंजर। रेड जिंजर का मैंने नेट में सर्च किया तो ढेर सारा प्लांट्स भी आ गया, फ्लावर भी आ गया, तब जाके मुझे पता चल गया इसका नाम है रेड जिंजर फ्लावर। और एक नाम है इसका
मुझे याद नहीं आ रहे। देखिए यहाँ से कटिंग मैंने लिया है और यहाँ से कटिंग लिया है मैंने, इधर से कटिंग लिया है और उस साइड उधर भी एक कटिंग लिया है। पूरा इसको बांध दिया है, फैल रहा था इधर, झूला झूलने के लिए नहीं आ रहा था इतना, फैल रहा था। तो इसमें मनी प्लांट कुलियस का कटिंग भी लगाया है मैंने। अच्छे से चल रहे हैं। बैम्बू से मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था, इस तरह मैंने कर दिया है। इसमें देखिए रेन लिली और पीस लिली और सिंगोनियम की कटिंग्स मैंने लगा दिया था। अच्छी चीज़ ज़बरदस्त चल रही है। तो ये तीन वेराइटी है, एक येलो शेड में है, एक ग्रीन शेड में है और एक अलग वेराइटी है, आपको दिख रहा होगा ये वाला वेराइटी। तीन वेराइटी है इसमें, अच्छी सी चल रही है। कोचिया का देखिए बीज बन रहा है इसमें। मैं इस बार इसका सीड्स कलेक्ट कर लूँगी। स्टार जैसा इसका बीज होता है, देखिए रेड कलर के हो रहा है इसमें। और एक इलाडियम का अच्छी ज़बरदस्त चल रही है। मैं राउंड शेप में कुलियस ग्रीन कलर सेड वाला ग्रीन कलर का जो कटिंग कुलियस का मैं लगाई थी, अच्छी सी चल रही है। और इसमें मैं थोड़ी सी कटिंग लेके दूसरी जगह क्रिसेंथेमम का लगाया है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला देखिए इसका कलिया बन रहा है इसमें, पर्पल गुच्छों में बंच में फूल खिलता है, बहुत सुंदर लगता है। इसका फ्लावर मैं दिखाऊंगी अभी आपको। ये देखिए ये वाला उसका फ्लावर बंचों में खिलता है, गुच्छों में, कितनी सुंदर फ्लावर है ये। और इसमें भी बर्ड्स बन रहा है स्टिक में। इसका मैंने कटिंग किया था, कितनी अच्छी चल रही है। और इसको मुझे क्लीन करना है। ये लेमन ग्रास है, कितनी ज़बरदस्त चल रही है। नीचे से थोड़ी सी क्लीन करना है, सूखा हुआ पत्ता मुझे हटाना है और इसमें थोड़ी सी खाद भी देना है, कोकोपीट और खाद, वर्मी कंपोस्ट देना है इसको। अभी टाइम नहीं मिला है मुझे। तो ये देखिए वो पर्पल वाला फूल, एक महीने से चल रहा था, ये अभी सूखने को स्टार्ट हुआ है। डेढ़ सारा मैंने कट करके इधर डाल दिया है, फिर से नया फ्लावर खिलने को स्टार्ट हुआ है। देखिए इसमें इस स्टिक में पूरा कलियों से भर गया है। और टायर प्लांटिंग देखिए मेरा टेंगल हार्ट, कितनी अच्छी लग रही है। वो पर्पल कलर की है और ग्रीन कलर की है। थोड़ी सी टायर मुझे ऊपर करना है। और मधुमालती का बेल में फूल खिल रहा है, कुलियस कटिंग। और इसमें भी रेड जिंजर का प्लांट मैंने लगा दिया है। इधर भी थोड़ी सी कटिंग्स मैंने लगा दिया है। तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। मेरे गार्डन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाय।